देश आजादी के 75 साल मना रहा है। इस 75 साल 75वीं वर्षगांठ के अवसर पे जब ये सुनते हैं तो दिल को बेहद तकलीफ होती है। वैसे तो 75 साल के अंदर हमें ऐसा सिस्टम बना लेना चाहिए था, एजुकेशन का ऐसा सिस्टम बन जाना चाहिए था कि हमारे बच्चों को अच्छी और मुफ्त शिक्षा पूरे देश में मिलती। लेकिन आजादी की 75वीं वर्षगांठ के ऊपर अगर हम ये माहौल बना रहे हैं कि हमारे देश के बच्चों को अच्छी और फ्री शिक्षा देना फ्री की रेवड़ी है, फ्री भी है, इससे सरकारों को घाटा हो रहा है, इससे बुरी बात नहीं हो सकती 75वीं वर्षगांठ के ऊपर। मुझे तो लगता है कि इस वक्त हमें हमें एक पूरी प्लानिंग करनी चाहिए थी कि 75 साल में जो कमी रह गई उस कमी को अब हम सारे युद्ध स्तर पर मिलकर पूरा करेंगे। हम सारे मिलकर ऐसा प्लान बनाएंगे कि अगले 5 साल के अंदर पूरे देश में शानदार सरकारी स्कूल बना देंगे और बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। ऐसा प्लान बनाना चाहिए था, तब 75वीं वर्षगांठ सही मायने में मनाई जाती। और हम क्या कर रहे हैं, हम मिलकर ऐसा माहौल बना रहे हैं कि अब सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चों को फ्री शिक्षा बंद की जाएगी। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि सारे सरकारी अस्पतालों के अंदर फ्री चिकित्सा बंद की जाएगी। या तो सरकारी अस्पतालों को बंद कर दिया जाएगा और या सरकारी अस्पतालों के अंदर पैसे लेके अब इलाज किया जाएगा। हर चीज के पैसे लिए जाएंगे सरकारी अस्पतालों के अंदर, दवाई के पैसे लिए जाएंगे, टेस्ट के पैसे लिए जाएंगे, सर्जरी के पैसे लिए जाएंगे। जिसके पास पैसे हैं अपना इलाज कराए, और जिसके पास पैसे नहीं है वो सरकारों की बला से मरे, जहां मर्जी जाए इन लोगों की बला से। 75वीं वर्षगांठ के ऊपर इस किस्म की बात की जा रही है। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे आम लोगों को फ्री बिजली देना गुनाह है, आम लोगों को फ्री बिजली बंद कर देनी चाहिए, फ्री बिजली केवल मंत्रियों को मिलनी चाहिए। ये माहौल बनाया जा रहा है, मंत्रियों को फ्री बिजली मिले, आम लोगों को फ्री बिजली नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे फ्री पानी देना गुनाह है। हिंदू धर्म के अंदर हमें सिखाया जाता है अगर किसी के पास थोड़ा भी पैसा आ जाए तो वो प्याऊ खोलता है, लोगों को फ्री पानी पिलाता है। प्यासे को पानी पिलाना हमारे धर्म में अच्छी बात, पुण्य की बात मानी है। और ये माहौल बना रहे हैं कि फ्री पानी देना जो है वो गुनाह है। लेकिन इन लोगों ने जो ये माहौल बना रहे हैं, इन लोगों ने देश के कुछ चंद लोगों का 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया। पता है आपको, 10 लाख करोड़ रुपए का कुछ चंद लोगों का इन्होंने कर्जा माफ कर दिया। कहा जा रहा है कि उन चंद लोगों में कई इनके दोस्त थे, पक्के वाले दोस्त थे। तो उससे वो चलना चाहिए, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। सरकारी पैसे से बच्चों को फ्री शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए, सरकारी पैसे से गरीबों का फ्री इलाज नहीं होना चाहिए, सरकारी पैसे इनके दोस्तों के कर्जे माफ करने के लिए इस्तेमाल किए जाने, वो भी 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए इन लोगों ने। कह रहे हैं वो होने चाहिए, सरकारी पैसा उसके लिए इस्तेमाल होना चाहिए, उससे घाटा नहीं होता कह रहे हैं। इन्होंने पूरे देश पे खाने पीने की चीजों पे जीएसटी लगा दिया, आम आदमी मरे, लेकिन देश के कुछ चंद लोगों का इन्होंने टैक्स माफ कर दिया, टैक्स कम कर दिया। बड़े बड़े कुछ चंद जो उनमें से भी कई इनके दोस्त हैं, चंद लोगों का इन्होंने टैक्स माफ कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं दूसरे देशों में क्या होता है। दुनिया में 39 अमीर देश ऐसे हैं, 39 कंट्रीज, 39 अमीर देश ऐसे हैं जहां पे वो अपने बच्चों को फ्री और अच्छी शिक्षा देते हैं। उन 39 देशों में 27 देश ऐसे हैं जो 12वीं क्लास तक फ्री शिक्षा देते हैं, और 12 देश ऐसे हैं जो 8वीं क्लास तक फ्री शिक्षा देते हैं। वो देश अमीर इसी वजह से बने क्योंकि वो अपने बच्चों को फ्री और अच्छी शिक्षा देते हैं, अपने बच्चों को तैयार करते हैं। और हमारे देश के अंदर माहौल बनाया जा रहा है कि बच्चों को फ्री शिक्षा नहीं देनी चाहिए। जैसे डेनमार्क है, कनाडा है, नॉर्वे है, स्पेन है, आपने लोगों ने सुना होगा इन देशों के बारे में, कितने अमीर देश हैं ये लोग। ये अमीर देश अपने बच्चों को अच्छी और फ्री शिक्षा देते हैं। इन सारे देशों को मैंने स्टडी किया, इनमें से एक भी देश अपने दोस्तों के फ्री में कर्जे माफ नहीं करता, एक भी देश। इनमें से एक भी देश अपने दोस्तों के टैक्स माफ नहीं करता लाखों करोड़ों रुपए के। कई देश ऐसे हैं इस दुनिया में, कई देश ऐसे हैं जो अपने लोगों को फ्री में पानी देते हैं, कई देश हैं।
आयरलैंड है, साउथ अफ्रीका है, लेकिन इनमें से कोई भी देश अपने दोस्तों के फ्री में कर्जे माफ नहीं करता। कई देश ऐसे हैं जो अपने, 9 देश ऐसे हैं दुनिया के अंदर, 9 से भी ज्यादा होंगे, मैं तो 9 जानता हूं, 9 देश ऐसे हैं जो अपने सारे लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री देते हैं, फ्री हेल्थ, सबका इलाज मुफ्त करते हैं। कनाडा, ब्राजील, डेनमार्क, नॉर्वे, स्पेन, यूके, इटली, क्यूबा, बहरेन, लेकिन इनमें से कोई भी देश अपने दोस्तों के कर्जे फ्री में माफ नहीं करता।